दूल्हे ने पकड़ ली बुलेट की जिद। दुल्हन ने दूल्हे को सिखाया सबक। सबक से दूल्हे को पड़ा पछताना। कुलसुम बी ने सिखाया जबरदस्त सबक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक दुल्हन ने दहेज के मांग कर रहे दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया कि लोगों ने जमकर सराहना की। दुल्हन कुलसुम ने आखिरकार बारात को बैरंग लौटा दिया। जी हाँ, पूरा मामला यूपी के बरेली का है, जहाँ एक दुल्हन ने दहेज लोभी बारातियों को सबक सिखाया। बारात दरवाजे पर आई तो दूल्हे ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर दी। लड़की वाले दूल्हे की मांग को लेकर राजी भी हो गए, लेकिन जब दुल्हन को पता चला तो उसने दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के उठाए इस कदम से दूल्हा अपनी बारात के साथ बैरंग ही लौट गया। घटनाक्रम के अनुसार इज्जत नगर क्षेत्र के परतापुर चौधरी की कुलसुम की शादी सीबीगंज के जिसान के साथ तय हुई थी। इनकी शादी 8 महीने पहले तय हुई थी, लेकिन अब जब उसकी शादी को जब 2 दिन बचे तो जिसान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दरवाजे पर मोटरसाइकिल नहीं मिली तो वो बारात वापस ले जाएंगे। आज जब बारात दरवाजे पर आई तो उसने मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली। तो लड़की वालों ने बताया कि उसको बुलेट मोटरसाइकिल बुक करा दी गई है और वो उसको जरूर देंगे, लेकिन जब दूल्हा अपनी जिद पर अड़ गया तो लड़की वालों ने बुलेट मोटरसाइकिल के पैसे नकद दे दिए। जब इसकी भनक दुल्हन कुलसुम बी को लगी तो उसने दहेज लोभी दूल्हे से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन के इस फैसले से घर आई बारात में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने दुल्हन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन अपने निर्णय पर अड़ी रही। ऐसे में बारात को बगैर दुल्हन लिए वापस जाना पड़ा। दूल्हा से जब इस बारे में बात की गई तो उसने इस पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि उसको अपने किए पर पछतावा है। दुल्हन के घर पर बारात की पूरी तैयारी थी, दहेज को सजा कर रखा गया था, लेकिन दूल्हे की दहेज की लालच ने खुशी को काफूर कर दिया था। साथ कुलसुम के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही थी, क्योंकि आए दिन दहेज लोभी दुल्हन को मारने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे में कुलसुम बी ने दहेज लोभी लोगों को सबक तो सिखा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।